नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ देवयानी चौबे। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सौरव गांगुली ने आईपीएल 2020 के भविष्य को लेकर दिया बड़ा बयान। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा समय में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस के चलते आने वाले समय में क्रिकेट आयोजन की कोई संभावना नहीं है। लोगों की जान को खतरे में डालकर मैच का आयोजन नहीं करा सकते। मई के अंत में जर्मनी में फुटबॉल के मैच को बिना फैंस के मौजूदा में कराए जाने की संभावना है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान सौरव गांगुली से भी इस पर बावस सवाल किया गया था। सौरव गांगुली ने कहा था कि जर्मनी और भारत की सामाजिक सच्चाई अलग है। आने वाले निकट भविष्य में भारत में कोई क्रिकेट नहीं होने वाला है। इसे लेकर बहुत सारे किंतु और परंतु जुड़े हुए हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे वक्त में जब मानवीय जीवन की खतरे में हो तो खेलों का आयोजन कराने में विश्वास नहीं रखता हूं। यह कार्यक्रम के अनुसार आईपीएल 2020 का आयोजन 29 मार्च से होना था, लेकिन 15 अप्रैल को संशोधित तारीख पर ही आईपीएल शुरू नहीं हो सका। सौरव गांगुली ने इस बयान में यह भी साफ हो गया है कि जल्द ही आईपीएल का आयोजन होने की कोई संभावना नहीं है। बीते दिनों श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से भी उनके देश में आईपीएल का आयोजन कराने का प्रस्ताव बीसीसीआई को भेजा था, लेकिन बीसीसीआई के अधिकारी इस मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ठुकरा दिया। कोरोना वायरस के चलते भारत में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 18,000 से अधिक हो गया है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते 1,00,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? इस साल कोरोना वायरस की महामारी के बीच आईपीएल होना संभव है या नहीं? अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।